Hello again, this is Zeeshan, Zeeshan Alam. Welcome to this English class and my YouTube channel English Throb. So, today in this class we are going to talk about class 10 literature book First Flight and a poem of that book is Dust of Snow. So, aaj hum log class 10 ke first flight ki pehli poem, class 10 ke first flight book ki pehli poem Dust of Snow which is written by Robert Frost, uske baare mein baat karne wale. तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है इस पोएम को जो लिटरेचर क्लास 10 की बुक की पहली पोएम है इसमें इन्होंने बस 8 लाइन में बड़ा ही मीनिंगफुल और डेप्थ मैसेज देने की कोशिश की है तो उसी को हम लोग शुरू करते हैं और किस चीजों के बारे में बात किया है और कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है पोएम किस बेसिस पे लिखा है और व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज व्हाट इज दिस डस्ट ऑफ स्नो ऑल अबाउट किस चीज के बारे में उन्होंने बात किया है वो सारी चीजें आज हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे इस बारे में तो अगर मैं डस्ट ऑफ स्नो की बात करूं तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ का एक टुकड़ा या छोटा सा हिस्सा उसी के बारे में बात की जा रही है और इस पूरे पोयम में राइटर ने दो चीजों की बात की है द फर्स्ट वन इज क्रो एंड द सेकंड वन इज हेमलॉक ट्री और जो दो चीजों को राइटर ने लिया है द फर्स्ट वन इज क्रो एंड द सेकंड वन इज हेमलॉक ट्री वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा इस पोयम का लाइक देयर इज लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी अराउंड दिस वर्ल्ड अराउंड अस हमारे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है बहुत ही बुरी चीज है बट स्टिल दिस पोयम वांट टू लेट अस नो कि हाउ स्टिल यू कैन बी पॉजिटिव कैसे हम फिर भी उन सब नेगेटिविटी के बावजूद भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर और खुश रख सकते हैं इसी चीज के बारे में बात की गई है तो होता यह है कि राइटर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और उस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए उस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री और किसी गम के साए में है किसी परेशानी में है और चुपचाप वहां पे अपना वक्त बिता रहे जो पश्चाताप कर रहे हैं या किसी चीज का रिग्रेट है वो सब मेंशन नहीं किया बस वो कह रहे ही इज अनहैप्पी और ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और वो पेड़ जो कि एक पॉइजनस ट्री है और उसी पेड़ के नीचे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उनका सारा मूड बदल जाता है सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है एंड इवन ही स्टार्ट्स फीलिंग कि मैं खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा था दुनिया में बहुत सी चीजें हैं पॉजिटिव होने के लिए मैं खामखा नेगेटिव होकर बैठा हुआ था इसी चीज को उन्होंने बताने की कोशिश की है तो अगर हम लोग पहले स्टैंजे पे डिस्कस करें लाइक पोएम के 8 लाइन में 4 लाइन को मैंने फर्स्ट 4 लाइन ऊपर लिखा है और फर्स्ट लास्ट 4 लाइन हमने नीचे लिखा है तो यहाँ पे रहकर यही कह रहे कि द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री राइटर एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवे ने आकर एक बर्फ का टुकड़ा उनके अंदर गिरा तो वही द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी जिस तरीके से एक कौवा आया एंड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से मेरे ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा है और इसकी वजह से एक चेंजेस आता है राइटर के अंदर एक बदलाव आता है लेकिन एक अजीब सी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बदलाव की बात करें जो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे पोयम में वो खुद एक हेमलॉक ट्री और क्रो है वो खुद दो चीजें जो सोसाइटी में निगेटिव समझा जाता है जो एक निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है क्रो एंड हेमलॉक ट्री वही इस पोयम में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं ये बहुत ही आयरोनिक है बहुत ही अलग है और स्ट्रेंज भी साउंड कर रहा है कि जिस चीज को हम गलत समझते हैं जिस चीज को गलत तरीके से देखते हैं वही एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है इसी वजह से रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इन दो चीजों को मेंशन करवाने की कोशिश की है और अगर क्रो को सोसाइटी में एक हार्श वॉइस समझा जाता है जिसकी आवाज एकदम खराब होती है क्रो दूसरा ये एक ब्लैक बर्ड है इसके कलर को भी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते एक नेगेटिव सिंबल की तरह लोग देखते हैं और थर्ड इज कनिंग बर्ड ये बहुत ज्यादा कनिंग है बहुत ज्यादा कपटी मन का होता है इस वजह से भी कौवे को नोबडी लाइक्स क्रो को कोई भी पसंद नहीं करता एंड इट इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव साइन नेगेटिव सिंबल इन अवर सोसाइटी सोसाइटी में एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है एंड वेन इट कम्स टू अबाउट हेमलॉक ट्री जब बात हेमलॉक ट्री की आती है तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है एंड हु लाइक्स पॉइजन ट्री एक जहरीला पेड़ किसे पसंद होगा इसी वजह से उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए और एक कौवा उनके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा था और इसकी वजह से उनके अंदर एक बदलाव आता है एक स्विच ऑफ मूड उनके अंदर आता है एक मूड चेंज हो जाता है और वो भी कौन एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री कर रहा तो ना तो वो पेड़ है हेमलॉक ट्री जिसकी वजह से कुछ बदलाव आया ना उस बर्फ के टुकड़े से जिस तरीके से उसने गिराया उसकी वजह से चेंज आया वो एकदम वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं नॉट बाय नॉट मेकिंग अस डिस्ट्रैक्ट ज्यादा चीजों को नहीं बताए बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही आराम से बोलने की कोशिश करते हैं अगर आप इस पोयम को देखो तो इट अपीयर्स नथिंग मोर देन अ स्नैपशॉट ऑफ अ ट्राइबल इंसिडेंट मोमेंट कंसर्निंग अ क्रो अ हेमलॉक ट्री एंड अ ह्यूमन बीइंग
एक 8 लाइन का पोयम जिसमें क्रो एक हेमलॉक ट्री और एक इंसान के बीच का एक रिलेशन जो दिखाने की कोशिश किया और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की ये रीडर्स के ऊपर उन्होंने छोड़ा कि कैसे वो उसको समझते हैं। तो द वे ए क्रो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज उन्होंने मेंशन करा कि जिस तरीके से उसने गिरा द वे ए क्रो शुक डाउन शेक का वीडियो शुक होता है तो गिराया शुक डाउन और मी उनके ऊपर मी यहाँ पे राइटर खुद है यहाँ पे मी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात हो रही है शुक डाउन ऑन मी क्या गिराया द डस्ट ऑफ स्नो एक बर्फ का टुकड़ा फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री और वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरा अब यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं हो रहा है कि शायद कौवा उड़कर वहां से जा रहा था और उस पत्ते के ऊपर बर्फ का टुकड़ा होगा वो गिर गया ग्रेविटी ने उसे नीचे खींच लिया या विंड ब्लोइंग की वजह से हो गया वो सब कुछ नहीं वो बस हमें ये बता रहे जिस तरीके से या कौवा उस पर बैठा और उसके वजन की वजह से वो नीचे गिर गया द वे ए क्रो बस द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री जो हेमलॉक ट्री के ऊपर से उनके ऊपर गिरा उनके शर्ट के अंदर वो बर्फ का टुकड़ा गया ही गेट्स चिल्ड उन्हें एक अलग सा महसूस हुआ has given my heart और इस has given my heart generally यहाँ पे subject नहीं लिखा मतलब इस incident ने this incident has given my heart और इसी incident की वजह से उनके दिलो दिमाग में मिजाज में change आया a change of mood तो यहाँ पे उन्होंने last 4 लाइन क्या में यही लिखा है कि has given my heart यहाँ पे subject ना देके direct helping verb है यहाँ पे वो हमारे ऊपर छोड़ रहे कि it is understood वो इन incident की बात कर रहे हैं This incident has given my heart a change of mood. उनके दिलो दिमाग में मिजाज में उनके बिहेवियर में व्यवहार में एक बदलाव आया and saved some part. और वो हिस्सा जो वो बिता चुके हैं regret में उसको बचा लिया and saved some part of a day I had ruined. Ruined का मतलब होता है regret. अगर हम ruined की बात करें तो it means regret. पछताता regret होता है इसका मतलब To regret something which can't be undone, जिसे हम ठीक नहीं कर सकते तो अगर फिर से मैं इसको बताऊं तो यही कह रहे हो कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए और एक कौवा उनके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा देता है और जिसकी वजह से उनके अंदर एक चेंजेस आता है एक बदलाव आता है और वो करने वाला कौन है इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कौन कर रहे कौवा ये सिंबल ऑफ जॉय यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि सिंबल ऑफ सॉरो यहाँ पे जॉय और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट है नेगेटिव सिंबल है सोसाइटी का फिर भी उन्होंने उन दोनों को यूज किया ताकि वो बताना चाहते हैं कि बीइंग अ नेगेटिव थिंग और हैविंग ऑल द नेगेटिविटी इनसाइड यू स्टिल देयर आर समथिंग व्हिच कैन लेट यू फील पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग और भी बहुत सी चीजें हैं तो हर एक नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव चीज भी होता वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉनोटेशन सोसाइटी का बन गया कि क्रो है तो नेगेटिव ही होगा बल्कि यहाँ पे इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ऑफ पॉजिटिव थिंग का एक कैटलिस्ट बन गया है और हेमलॉक ट्री भी और इस तरीके से उन्होंने इसके स्विच उनके मूड को चेंज कर दिया और खुद राइटर लास्ट में कह रहे एंड सेव सम पार्ट यानी कुछ हिस्सा बचा लिया मतलब मैंने वेस्ट कर दिया कुछ हिस्सा उस सैड होकर अनहैप्पी होकर नाराज होकर कुछ से ऑफ ए डे दिन का कुछ हिस्सा जो मैंने वेस्ट कर दिया था आई हैड रूइड उसी का बचा हुआ हिस्सा इस इंसिडेंट ने बचा लिया तो बहुत ही छोटा सा एक इंसिडेंट था जिसको उन्होंने बताने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया अगर हम इस पोयम के आर्टिस्ट स्टैंड पे आए तो एक राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम बेसिकली होता है हर स्टैंड का लास्ट वर्ड जो किससे किससे रिदम हो रहा है तो अगर हम इस क्रो को देखें तो क्रो के बाद आता है मी तो क्रो और मी का साउंड सिमिलर नहीं है लेकिन क्रो इज साउंडिंग सिमिलर टू स्नो क्रो और स्नो का साउंड आवाज एकदम एक जैसा ही हो रहा है क्रो स्नो एंड अगेन एट द सेम टाइम मी इज साउंडिंग सिमिलर टू ट्री तो यहाँ पे देखा क्रो स्नो इन दोनों का साउंड मैच कर रहा है मी और ट्री का साउंड मैच कर रहा है तो अगर हमने क्रो को ए कंसीडर कर लिया राइमिंग स्कीम में हम इसे ए मान लेते हैं और क्रो और मी का साउंड तो मैच नहीं कर रहा तो इसको हम बी मान लेते हैं तो अगेन क्रो और स्नो का मैच साउंड कर रहा है तो ये ए हो गया और मी और ट्री का साउंड मैच कर रहा है मी साउंडिंग सिमिलर टू ट्री तो अगेन ये बी हो गया तो पहले 4 लाइन का क्या हो गया राइमिंग स्कीम ए बी ए बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी ए बी इट इज द राइमिंग स्कीम जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं या आपके लिटरेचर के इस चैप्टर में भी क्वेश्चन हो सकते हैं क्रो इज साउंडिंग सिमिलर टू स्नो तो क्रो को जो हमने कंसीडर किया इसको हमने अल्फाबेट स्मॉल ए मान लिया तो स्नो का भी वही होगा मी और ट्री इज साउंडिंग सिमिलर तो ये भी बी अगेन यहाँ पे हम आते हैं हार्ट तो अभी तक ए बी जो हमने माना इन चारों में से हार्ट किसी से सिमिलर साउंड नहीं कर रहा तो अगेन हार्ट को हम यहाँ पे मान लेंगे सी और
सी मान लिया, उसके बाद मूड, तो मूड और हार्ट एकदम अलग है, मूड ना इन चारों से मैच कर रहा ना हार्ट से ना मूड से, हम लास्ट वर्ड पे इंफेसाइज करते हैं, तो मूड को हम डी मान लेंगे. एंड अगेन हार्ट इज साउंडिंग सिमिलर टू पार्ट, हार्ट इज साउंडिंग सिमिलर टू पार्ट, तो हमने इसे सी कंसीडर किया, तो यहां भी ये सी हो जाएगा. अगेन अगर हम यहां से देखें कि हार्ट इज साउंडिंग सिमिलर टू पार्ट, देन मूड इज साउंडिंग सिमिलर टू रियूड, रियूड मतलब रिग्रेट करना, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमने पार्ट को मूड को डी लिखा तो रियूड को भी डी लिखेंगे, तो इस चार लाइन का हो जाएगा सी डी सी डी इस तरीके से. तो ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया, और इस चार लाइन का ए बी और इसका सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी, यानी राइमिंग स्कीम बेसिकली हम उस चीज की बात करते हैं जो पोयम के लास्ट, उस फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है और सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उन दोनों का साउंड कितना सिमिलर है, और अगर पहला तीसरे लाइन से मैच कर रहा है तो दोनों मैच कर रहा, दूसरा चौथे से, इसी तरीके से इसी बेसिस पे राइमिंग स्कीम बनाते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जैसे कि क्रो इज साउंडिंग सिमिलर टू स्नो, मी इज साउंडिंग सिमिलर टू ट्री, हार्ट इज पार्ट एंड मूड इज साउंडिंग सिमिलर टू रियूड. तो हमने देखा कि ये जो आठ लाइन का पोयम है बड़ा ही शॉर्ट है, लेकिन बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर, और एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में उन्होंने अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया कि कभी कभी छोटा इंसिडेंट भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और कभी कभी निगेटिव जिस चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं हकीकत में वो पॉजिटिव भी हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी है, लाइक जो मैसेज है, मोरल व्यू है इसका, जो मोरल व्यू है इस चैप्टर का वो हमने यहाँ पे लिख रखा है. द फर्स्ट वन इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. अगर बादल की बात करें तो वो बहुत काला समझा जाता है, उस कलर को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते और एकदम डरावनी शक्ल की होती है, तो उस बादल में भी एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जब उस थंडरिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो उसमें भी चांदी जैसी चमक दिखती है, यानी उस नेगेटिव चीज में भी देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, उस बादल में भी चांदी जैसी चमक है. और द सेकंड मोरल व्यू इज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल इवेंट, छोटे छोटे इवेंट का भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है अगर हम उसे उस नजर से देखें, तो छोटे छोटे इवेंट जो हमारे आसपास हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन ऑर्डर टू मेक अस पॉजिटिव. तो आई होप आपको ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने काफी अच्छे से डिस्कस करा और बताया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे ट्यून्ड स्टे अपडेटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.